वेलकम टू आदर सिटी ऑनलाइन क्लासेस विच इज प्रेपर बाय देयर ऑनर मिस्टर राजवीर सिंह जी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पावर एंड देयर सम ऑफ कंपोनेंट मेजरिंग यूनिट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द दिस चैप्टर हीटिंग इफेक्ट एंड देयर लॉस. नाउ वी विल स्टार्ट द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन अ सर्किट और डिसिपेट इन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ पी. दिस इज इक्वल टू फॉर्मूला पी इज इक्वल टू वी इंटू आई. नाउ एज वी नो दैट जूल ओम्स लॉ से हमें पता चला कि वी इज इक्वल टू आई आर होता है, जहां पे वी डायरेक्टली अक्रॉस द टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. आर वहां पे क्या होता है रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है. हैंस वी इज इक्वल टू आई आर वी पुट टू गेट रिक्वायर्ड कंज्यूम्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. हाउ लेट्स सी हियर द सबसे पहले ये डेफिनेशन देख लीजिए. द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर रिप्रेजेंट बाय कैपिटल पी. पी इज इक्वल टू वी आई. एज वी नो दैट ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर पुट इन इक्वेशन वन वी इक्वल आई आर वी गेट पी इज इक्वल टू आई आर इंटू आई. दिस इज इक्वल टू पी इक्वल आई स्क्वायर आर. दिस इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट. तो ये क्या है इलेक्ट्रिक पावर का करेंट है जो पावर कंज्यूम होती है इनटू द सर्किट. वो इस फॉर्मूले से क्या की जाती है कैलकुलेट की जाती है. जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पावर की वो क्या होती है वॉट होती है. अब जो कमर्शियल लाइन है और जो डोमेस्टिक लाइन है दो टाइप की लाइन होती है. उसको हम किसमें मेजर करते हैं यूनिट में मेजर करते हैं. जो घरों में सप्लाई आती है वो किसमें मेजर की जाती है यूनिट में. तो जो लार्ज यूनिट होती है मेजर करने की लार्ज यूनिट ऑफ पावर दैट इज इक्वल टू किलोवाट. किलोवाट में मेजर किया जाता है. दैट मीन कि एक किलोवाट में कितने वाट होते हैं 1000 वाट. नाउ एक किलोवाट घंटे यानी एक घंटे में कितनी बिजली खर्च हुई है. तो अगर हम उसे एक किलोवाट घंटे तो एक घंटे में 60 × 60 यानी 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड. तो 60 × 60 कर देंगे दैट मीन कि आ जाएगा आपका 36 × 5 × 0 W/s. अब ये क्या है एनर्जी टोटल किसके फॉर्म में है वर्क के फॉर्म में है या एनर्जी के फॉर्म में है. तो हम इसे क्या कर सकते हैं जूल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन वन यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh. वन यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh दैट इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल. आप यहां 5 × 0 है यहां पे जब पॉइंट ले जाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा. हेंस मल्टीप्लाई करके यहां पे 10⁶ लिखा गया है जूल. अब 1 W की डेफिनेशन देख लीजिए कि 1 W क्या होता है. तो 1 W इज द पावर कंज्यूम बाय डिवाइस. अब डिवाइस क्या है आपका सर्किट है जिसके वजह से हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम कर रहे हैं. तो 1 W इज द पावर कंज्यूम बाय डिवाइस दैट कैरीज 1 A ऑफ करेंट थ्रू ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस 1 V. यानी 1 V 1 A का अगर 1 A की करेंट और अक्रॉस द टर्मिनल वोल्टेज हमारा 1 V है तो जो हमारी पावर कंज्यूम हो रही है उसे ही हम क्या बोलते हैं 1 W बोलते हैं. अब लास्ट जो टॉपिक है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इसके पहले बिफोर गोइंग टू द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग सम हीटिंग इफेक्ट. अब हीटिंग इफेक्ट में अगर हम ले लें आयरन का जो आयरन घरों में किया जाता है कपड़ों पे तो उसमें एक एलिमेंट लगा होता है.
अब एलिमेंट उस आयरन के नीचे की जो सीट होती है उसको कैसे हीट करता है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। वो एलिमेंट सबसे पहले हीट होगा और जैसे ही वो हीट होगा तो हीटिंग का जो फेनोमिना है कि फ्रॉम हायर टू लोअर में एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, तो वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे पावर को ट्रांसफर करेगा, नीचे के जो मेटल सीट बनी होती है आयरन की उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। वो हीट होगा तो वो हीट हम क्या करते हैं, कपड़े को स्ट्रेट करने में यूज करते हैं। नाउ अब हीटिंग इफेक्ट तो हमें पता चल गया, अब हीटिंग इफेक्ट डेवलप कैसे होता है, तो जूल्स के कुछ रूल्स आए, जूल्स ने बताया कि सम ऑफ हीट हाउ कैन इट बी कन्वर्ट इनटू द हीट फॉर्म, करेंट इनटू हीट फॉर्म लाइक दिस। फर्स्ट करेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ करेंट, सबसे पहले हीट, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हीट जो प्रोड्यूस होती है वो कंडक्टर की क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। अब कंडक्टर के जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो कंडक्टर किसके साथ में जुड़ा होता है, करंट के साथ में। जब कंडक्टर के साथ में डायरेक्ट आओ, करंट की प्रॉपर्टी दो ही चीज पे डिपेंड कर, दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक तो इधर रेजिस्टेंस और एक आपका इधर वोल्टेज। अब दोनों के बीच में जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, वो क्या हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है करंट के स्क्वायर के, यानी स्क्वायर ऑफ द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोड्यूस्ड हीट। सेकंड है द रेजिस्टेंस। अब जब करंट प्रोपोर्शनल है तो सीधी सी बात है, अब यहां पे जो इस टाइप से हम सर्किट बनाते हैं, अब यहां पे बैटरी जो यूज हुई है तो ये आपका वोल्टेज हो गया, और यहां पे जो रेजिस्टेंस लगा होता है आई, यहां से हो रही है ट्रांसफर, डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों के दोनों पे डिपेंड करती है, दीज आर द डिपेंडेबल प्रॉपर्टी ऑफ द करेंट। तो जब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस हीट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। नाउ गिवन इन करंट, यानी हमें करंट मिला हुआ है तो ये क्या हो रहा है, हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड द टाइम विच करंट फ्लोज, वो समय जब वो करंट फ्लो हो रही होगी तो समय भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यहां एच इन द फॉर्म ऑफ हीट है जो मैंने यहां पे लिखा है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो यहां पे जो हीट होगी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। अब आते हैं कुछ फैक्ट क्वेश्चंस पे, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आता है इलेक्ट्रिक बल्ब से। अब इलेक्ट्रिक बल्ब है तो वो कैसे पावर को कंज्यूम करता है और हमें किस टाइप से वो लाइट देता है, माइंड में क्वेश्चन आता है, कई बार टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है आपका, इलेक्ट्रिक बल्ब है तो उसमें इस टाइप का एक एलिमेंट लगा होता है, इसको हम बोलते हैं टंगस्टन, टंगस्टन धातु, टंगस्टन एलॉय का ये मटेरियल बना होता है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। अब क्यों ये हमें, क्यों कैसे ये एकदम से हीट होकर के हमें लाइट देने लगता है, बिल्कुल चमकने लगता है, तो रीजन क्या है, रीजन है इसका मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3300 लगभग 3300 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, डेवलप होता है, 3300 के करीब में इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जैसे ही इसका 3300 मेल्टिंग पॉइंट है तो जब गेट्स हीटेड बाय द इलेक्ट्रिक, जब सप्लाई इसको यहां से हम एक सर्किट से इसको अटैच करें, सर्किट से अटैच करेंगे, यहां पे की लगा दीजिए, इलेक्ट्रिक की
इस्तेमाल करेंगे तो जैसे ही करंट फ्लो होगी, अब ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल, ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव, तो जैसे ही हीट इसमें फ्लो होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लो होगी तो ये क्या होने लगेगा, हीट होने लगेगा। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है कितना 3300 एबव होता है, तो 2700 टेम्परेचर, 2700 27 डिग्री सेल्सियस का जब इसको टेम्परेचर मिलता है, एकाएक मिलता है जब करंट दो 240 वोल्ट, 260 वोल्ट, 220 वोल्ट की जो डोमेस्टिक सप्लाई होती है जैसे ही मिलती है तो गेट्स हीटेड। जैसे हीट होता है टंगस्टन तो इसके अंदर में गैसेस भरी होती हैं जो बहुत ही हल्की होती हैं। कौन सी गैस होती है, आर्गन हो सकती है, दूसरी एक और गैस है नाइट्रोजन है, ये बहुत दो कंपोनेंट होते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करेंगे तो उसमें आर्गन भरी होती है। तो वेल वी हैव टू डिस्कस इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब का फिगर, इसको देख लीजिए कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। नीचे टर्मिनल्स है, ऊपर जाएंगे तो सिल्वर कोटेड मेटेलिक कोटिंग होती है, यहां से वायर गया होता है, कॉपर वायर होता है जो लास्ट तक जाता है, और वो इसके ऊपर एक टंगस्टन का बना हुआ, टंगस्टन भी एलॉय ही होती है, तो इसका फिलामेंट बना होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। अब जब क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रिक क्या होती है, जैसे इसको सप्लाई मिलती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है तो क्या होता है, हीट होता है। हीट होने की वजह से जितना ज्यादा हीट होगा उतना ही ज्यादा ये क्या करेगा, लाइट को डेवलप करेगा, दैट मीन कि हमें प्रकाश मिलता है। अब क्यों ऐसा होता है उसके लिए थोड़ा सा जान लीजिए। क्यों? क्योंकि टंगस्टन जो अलॉय होती है, जो ये आपने केमिस्ट्री में भी देखा है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी हाई होता है, और जब बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो इसे ढेर सारा टेम्परेचर भी चाहिए होता है हीट करने के लिए। तो अबाउट 2700 टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, तो ये क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। दैट मीन एक तरीके से हमें प्रकाश देने लगता है, बल्ब कैन ग्लो। अब उसके बाद जो सेकेंड केस है हमारा, वो क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन का। अब इलेक्ट्रिक आयरन भी ठीक इसी तरीके से मेड अप अबाउट होता है, बट यहां टंगस्टन नहीं लगा होता है। मेटल आयरन सीट होती है नीचे की तरफ, और एलॉय एलिमेंट लगा होता है उसी सीट के जस्ट ऊपर, तो वो उसका कनेक्शन किससे होता है, इस वायर के साथ में अटैच होता है। जब इसको सप्लाई मिलने लगती है तो ये क्या होता है, हीट्स अप, इलेक्ट्रिक करेंट हीट्स अप, एंड थ्रू विच इट फ्लो इट्स गेट कैन हीट्स अप एंड देन गेट गुड रिजल्ट, कि हमें क्या होता है, गर्म हो जाता है तो उसके वजह से हमें क्या मिलने लगता है, हम आयरन कर सकते हैं। नाउ अगला जो हमारा इसका अनदर एक और टॉपिक है वो है फ्यूज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। तो क्या होता है, ये जो बनाया हुआ है डायग्राम, ये है इलेक्ट्रिक फ्यूज का डायग्राम। अब ये क्या होता है, इस शेप में होता है, तो इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है ये क्या होता है, नॉन कंबस्टेबल मटेरियल से बनाया जाता है ताकि ये क्या ना हो, ब्रेक ना हो। और दूसरी कंडीशन, अंदर की तरफ एक वायर लगा होता है, ये वायर आपको दिख रहा होगा, ये वायर किस चीज का बना हो सकता है, जिंक का बना हो सकता है, कॉपर का बना हो सकता है, या सिल्वर का बना हो सकता है, या एल्यूमिनियम, ये सब एलॉय है जो क्या होती है, हल्की होती है, तो यूज करने में क्या होता है, तो ये इजी रहता है। अगर करंट का जो प्रोसेस है, जिस तरीके से इसे यूज किया जाने वाला है, कैसे यूज करेंगे, लेट्स वी सी हियर। तो सबसे पहले क्या होता है, इन सभी एलॉय के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं क्या होते हैं, कम होते हैं, लाइक टंगस्टन, टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट ये जितने भी एलॉय होते हैं इनके क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब लो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो जैसे ही करंट इसमें क्या करेगी, इसको हम क्या करते हैं, एक जनरली वायर से अगर हम क्या करें, कनेक्ट कर दें और आगे एक सिस्टम रखें, हमारा टीवी लगा दें। अब जैसे ही 220 वोल्ट पे हमारा टीवी चलता है, जैसे ही इसे 220 से ज्यादा की सप्लाई एकाएक 320 वोल्ट या 280 वोल्ट
तो ये क्या होगा, गेट्स हीटेड, क्या होगा, हीट हो जाएगा ये वायर, और वायर जैसे ही हीट होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा तो सर्किट क्या हो गई, ब्रेक हो गई। जब सर्किट ब्रेक हो गई, कट ऑफ रीजन यहां से हमें डेवलप हुआ, ब्रेक हो गई तो करंट आगे जाएगा ही नहीं, तो उसके वजह से करंट आगे नहीं जाएगा, तो दैट मीन कि हमारा जो अप्लायंस है, अप्लायंस में हमारा टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, अदर अप्लायंसेज हो सकते हैं इलेक्ट्रिक के, तो वो क्या नहीं होते। दैट मीन कि जो ब्रेक की संभावना है या खराब होने की जो संभावना है वो पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। तो दिस इज द यूज ऑफ फ्यूज, हाउ कैन इट विल यूज व्हेन वी आर गेटिंग इन आवर यूजेबल सर्किट, वी कैन ऐड दिस टू प्रिवेंट हार्मफुल हाई वोल्टेज या ओवरलोडिंग। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कीप रिवाइजिंग, नेक्स्ट वीडियो मैग्नेट।